हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी गार्डन में। फ्रेंड्स, से देख सकते हैं लिलियम का प्लांट है, ये बल्ब से लगा हुआ प्लांट है। देख सकते हैं ये एक पॉट में चार लगाए हुए हैं और दो जो ये जो है ऑनलाइन मंगवाए थे, दो देख सकते हैं फ्रेंड पीछे में लगा हुआ। एक का ऊपर का पार्ट टूट गया था तो देख सकते हैं उसमें भी साइड साइड से ब्रांच निकलना शुरू हो गया। वो देखना है फ्रेंड कि फ्लावर देता है या नहीं देता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर चार है और जो उसका ऊपर वाला पार्ट टूट गया था उसको यहाँ पर लगा दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड इसमें भी अच्छी सी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। जब ये बल्ब मंगाया था फ्रेंड इसमें कोई भी कुछ भी नहीं था, ये जो लीफ वगैरह देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं था, केवल सिंपल ये जो देख रहे बल्ब उस तरह से बल्ब था। उसमें छह बल्ब था और सभी में कलर लिखा हुआ था कि ऑरेंज है, वाइट है, क्योंकि लिलियम जो है बहुत सारा कलर में भी आता है। बस उसको क्या किए थे फ्रेंड, सॉफ्ट सॉइल में लगा दिए थे, यानी कि 40% जितना गार्डन सॉइल लिए और 40% जितना सैंड लेकर के और उसमें 20% जो है कंपोस्ट मिलाकर के इस प्लांट को लगा दिए थे। बस बल्ब लगाते समय फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी फंगीसाइड पाउडर लगा दें। फंगीसाइड लगाने से होता है कि बल्ब ख़राब ना होगा। उसके नीचे के एरिया में हल्का सा फंगीसाइड पाउडर लगा करके या मिट्टी में भी मिला करके आप लगा सकते हैं ताकि बल्ब ख़राब ना हो। और देख सकते हैं फ्रेंड इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी होने लगी है। ये कम से कम 1 से 1.5 महीना का ये रिजल्ट है फ्रेंड, क्योंकि बल्ब से लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 महीना में ही फ्लावर देना शुरू होता है, तुरंत फ्लावर नहीं देता है। अगर बल्ब लगाते हैं जिसमें प्लांट ना निकला हो तो थोड़ा लेट होता है फ्लावर देने में, और बना बनाया प्लांट लेकर आइएगा तब तो फ्लावर जैसा आपको इच्छा हो वैसा लगा सकते हैं। लिलियम जो है फ्रेंड विंटर में ही फ्लावर देता है, और जब भी बल्ब लगाइएगा सॉफ्ट सॉइल में लगाइएगा और इस तरह में इसमें पानी डालना है फ्रेंड कि ज़्यादा उसमें पानी नहीं डालना है। प्लांट में पानी उसी समय डालना जब देखेंगे कि हाँ ऊपर मेरा गार्डन की जो गमले की जो सॉइल है वो सूख गई है। ये तो ज़्यादा अगर पानी डालते हैं तो ये जो बल्ब होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। इस बात का ध्यान देना होगा फिर कि पानी उतना ही डालना, उसी समय डालना है जब ये प्लांट की गमले की जो मिट्टी सूख जाए, और इसको पूरी धूप में रख देना फिर बल्ब लगाने से लेकर के जब तक फ्लावर ना खिल जाए इसको धूप में ही रखना है। कम से कम 3 से 4 घंटा अच्छी धूप मिले, और इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगता फिर, पिछले साल 2-3 साल से लगा रहा है कोई फंगस तो नहीं देखे इस पर फिर, लेकिन हाँ फिर भी फंगीसाइड का पाउडर का इस पर करते रहना चाहिए। जैसे मैं सारे प्लांट में लगा करती हूँ नीम ऑयल का, मैं इसमें भी कर देती हूँ क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसका फ्लावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जब विंटर में जब धूप नहीं होता तो थोड़ा सा डर होता है फिर फंगस लगने का। फिर देख सकते हैं इसमें बल्ब भी सॉरी इसमें बर्ड्स भी बनना शुरू हो गया है। ये मेरे पास में 1-2 प्लांट जो है पिछले नेक्स्ट सीजन का है फ्रेंड। जब ये फ्लावर दे करके सूख जाएगा, फ्लावर देने के बाद जब सूख जाएगा तो आपको एक पॉट इसी पॉट में छोड़ देना है। धीरे धीरे देखिएगा कि यहाँ पर जितना भी इसका लीफ वगैरह है सब गिरना शुरू हो जाएगा। ये जो टहनी है यानी ये जो ब्रांच है वो भी सूख करके टूट जाएगा, बच जाएगा केवल बल्ब। उसको क्या कीजिएगा कि आप दूसरे कोई पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा कोकोपीट में और थोड़ी सी सैंड मिला करके और मिट्टी मिला करके उसको छोड़ दीजिएगा। एक ही पॉट में जितना आपके पास में बल्ब है सभी को एक पॉट में डाल करके उसको छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट सीजन में फिर उसमें पानी उसी समय डालना जब देखना कि एकदम ऊपर से पॉट मिट्टी एकदम सूख जाए तब थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिएगा, और नेक्स्ट 1 अक्टूबर 1 नवंबर में फिर उसको निकाल करके और फिर सॉफ्ट सॉइल बना करके आप उसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास में अभी नहीं है तो अभी भी आप ला करके लगाइएगा, तो जब तक विंटर रहेगा यानी मार्च तक ये फ्लावर दे सकता है। मार्च के बाद फ्लावर देना बंद कर देता है क्योंकि गर्मियों में ये फ्लावर नहीं देता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से ये प्लांट अभी भी आप ला करके लगा सकते हैं फ्रेंड, और बहुत खूबसूरत सा फ्लावर होता है इसमें देख सकते हैं। बस पानी का ख्याल रखना होगा फ्रेंड, पानी कम से कम डालना है और इसको 3 से 4 घंटे अच्छी धूप चाहिए, तब देखिएगा इसका फ्लावर बहुत अच्छे से खिलेगा। फिर नेक्स्ट सीजन में इस प्लांट को बचा कर रख सकते हैं, और कुछ प्लांट अगर बल्ब लाना चाहते हैं तो और ला सकते हैं। धीरे धीरे करके आपके गार्डन में बहुत सारा बल्ब ऐड हो जाएगा और बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग भी होती है। जब फ्लावर खिलेगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे फ्रेंड। चलिए वीडियो को हम बंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।